everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, you all are fine. और आज मैं आ गई हूँ लागोस की लेकी मार्केट में, जाकंडे मार्केट. और ये यहाँ की लोकल मार्केट है. यहाँ पे सारा नाइजीरियन स्टफ़ जो है, लोकल स्टफ़ जो है, आपको मिल जाएगा. अफ्रीकन प्रिंट, अंकारा प्रिंट के यहाँ पे बैग्स, ड्रेसेस और बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें जो हैं आपको वो मिल जाएंगी. और यहाँ पे लगभग लोग आते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एज ए गिफ्ट लेके जाते हैं. और ख़ुद के यूज़ के लिए भी लोकल स्टफ़ को बहुत ही लोग पसंद करते हैं. तो आइए देखते हैं, चलते हैं इस मार्केट में और देखते हैं हमें क्या क्या पसंद आता है. और लोकल बैग्स जो हैं यहाँ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो एक दो बैग्स तो मैंने भी लिए हैं और इंडिया में गिफ्ट किए हैं. और अभी भी मेरी फ्रेंड जो है वो इंडिया जा रही है, तो मैं दो तीन बैग्स अपनी फैमिली के लिए उसी के हाथ भिजवा दूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली को ये बैग्स बहुत ही पसंद आए. तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये मार्केट का एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के बैग्स, ड्रेसेस और डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट नाइजीरियन अफ्रीकन स्टाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्स भी अफ्रीकन प्रिंट में है और बैग्स भी, और ये बहुत ही सॉलिड होते हैं. मैंने काफ़ी बैग यहाँ से लिए हैं और इंडिया गिफ्ट किए हैं. और बहुत सारे कमेंट्स जो थे मुझे आए थे, क्योंकि सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये स्टफ़. और एक और बात, कई बार ऐसा कमेंट मुझे आता है वीडियो पे कि नाइजीरिया सेफ़ है लेडीज़ के लिए शॉपिंग के लिए या बाहर जाना के लिए. तो आप देख सकते हो मैं और मेरी फ्रेंड ही आए हैं इस मार्केट में और ये बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा नहीं है. बट फिर भी हमें अपने आप को तो सेफ़ रखना ही पड़ता है. और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं VI और लेकी के एरिया में रहूँ, क्योंकि ये लागोस का काफ़ी सेफ़ एरिया है, ये पॉश एरिया है. और वैसे तो मैं लोकल मार्केट में नहीं विज़िट करती हूँ, बट ये मार्केट काफ़ी अच्छी है और सेफ़ भी है. तो हम लोग आ ही जाते हैं यहाँ पर. बाकी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट जो है ये कर देते हैं, बट क्वालिटी को देख करके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, काफ़ी अच्छे डिफरेंट डिफरेंट. मुझे तो नहीं पता नाइजीरियन कौन कौन से प्रिंट होते हैं, मैं तो सिर्फ़ एक अंकारा प्रिंट जानती हूँ. बट यहाँ पे देख कर के जैसे डिफरेंट तरह के लैपटॉप बैग, टैबलेट्स बैग, और कितने सॉलिड हैं ये देख कर के बहुत ही अच्छा लगता है. दिल तो करता है कि सभी उठा लो, लेकिन उतना ही ले सकते हैं जितना ज़रूरत के लिए हो. और डफ़ल बैग आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे. एयरपोर्ट पे जैसे आपको आना जाना रहता है, तो आप यहाँ पे डफ़ल बैग भी, ये बहुत सॉलिड होते हैं, वो भी ले सकते हो. और ये है लैपटॉप बैग और ये काफ़ी सॉलिड है. इसमें आपको डिफरेंट अफ्रीकन प्रिंट मिल जाएंगे. काफ़ी ही अच्छा बैग है, स्पेशियस है. और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप लैपटॉप इस पर कैरी करके ले जा सकते हो, ये बहुत ही सेफ़ है. और अगर आप ऑफिस के लिए भी लेके जा रहे हो तो भी ये बहुत ही अच्छा है. लेकिन वही बात है कि फॉरनर्स को देख के ये प्राइस जो है वो बहुत ही कॉस्टली बताते हैं. इसका प्राइस बता रहे 12,000 नायरा में, और जो कि मुझे बहुत ही कॉस्टली लग रहा है. और पता है यहाँ पे भी वही वाला हाल है सरोजनी नगर वाला, जैसे कि प्राइस बता दिया बहुत ज़्यादा और हमें अगर अच्छे नहीं लगा ना, तो फिर हम लोग जैसे निकल जाते हैं शॉप से तो वो बाद में आवाज़ मारते हैं ना ले जाओ ले जाओ. तो सेम यहाँ पे भी हाल है कि बाद में जैसे हमें अच्छा नहीं लगा प्राइस तो हम लोग चले जाते हैं, तो ये भी बोलते हैं आके ले जाओ ले जाओ, इतने में ले जाओ. तो यहाँ पर भी बड़ा मज़ा आता है वैसे ये बार्गेनिंग करने का. अच्छा ये, अरे 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 नहीं आज फोन
आई होप आपको ये बैग्स पसंद आए होंगे. और अगर ये प्रिंट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे इनके पास पूरा फैब्रिक रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी पसंद करके आप इनको फैब्रिक बता सकते हैं कौन सा प्रिंट आपको अच्छा लग रहा है. तो ये ऑर्डर पे भी आपके बैग्स बना देते हैं. तो हमने तो 3-4 बैग ले लिए हैं, डफल बैग, और अभी देखते हैं हमें हैंड बैग चाहिए तो अभी देखते हैं किसी और शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉस्टली लगाते हैं. बट अगर हम लोग मॉल में जाएं और सेम बैग अगर हम मॉल से लेते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है. और एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट, सेम जैसे हम लोग इंडिया में जाते हैं लोकल मार्केट में हर चीज़ हमें सस्ती मिलती है, और सेम अगर हम मॉल में जाते हैं तो हमें डेफिनेटली उसका प्राइस लग के ही आता है. तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है. अगर आप लोकल मार्केट से चीज़ खरीद रहे हो तो वो थोड़ा बहुत आपको बजट में मिल जाती है, और अगर वही चीज़ अगर हम मॉल में के लेते हैं तो थोड़ा सा हमें प्राइस तो कॉस्टली दिखता ही है. और अभी देखते हैं नेक्स्ट शॉप पे जाकर के किस तरह से हमें बैग मिलते हैं. बाकी आप आर्ट एंड क्राफ्ट तो देख ही रहे हो, ये सारा ये लोग खुद से बनाते हैं. इस मार्केट में आपको प्योर लेदर के बैग भी मिल जाएंगे और स्टोन बर्ग भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाता है. और ना मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कोई मेरे हाथ से फ़ोन ही ना छीन के ले जाए. वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और कोई ऐसे ही आकर के एकदम से मेरा फ़ोन ना छीन के ले जाए. थोड़ा इन मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में थोड़ा इतना डर तो लगता ही है. बट ठीक है, ये थोड़ी ये वाली मार्केट जो है थोड़ी सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकल मार्केट के. और यहाँ पर हम लोग भी आते जाते हैं तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइम ख़राब हो तो कुछ पता नहीं रहता. तो हमने अपनी कुछ सिलेक्टेड शॉप रखी हुई हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे बजट में ये बैग्स मिल जाएंगे. तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि उसी शॉप पे जाएं, एल्स हम देख लेते हैं पूरी मार्केट घूम के, लेकिन घूम पे जब हम वापस आते हैं तो हमें उसी शॉप पे हमें अच्छा क्वालिटी और अच्छे प्राइस पे वो चीज़ मिल जाती है. तो बाकी हम लोग घूम तो पूरे ही मार्केट लेते हैं. तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर और इस शॉप पर हमें काफ़ी ज़्यादा बैग्स देखने को मिल रहे हैं. और ये शॉप है, इसका शॉप नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम इस मार्केट में एंटर करते हैं तो फर्स्ट शॉप इनकी है. और यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन आपको रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं. तो ये बैग हमें यहाँ पे 6000 का मिल रहा है और जो लास्ट शॉप थी वो 16000 का बता रहा था बैग. और बस यही जो है फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आप अगर एक शॉप पे बार बार आते हो तो वो आपको एक अपने कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं और आपको प्राइस जो है वो जेन्युइन लगाते हैं. और अगर आप इस मार्केट में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो एज ए टूरिस्ट और
तो डेफिनेटली वो आपको प्राइस जो है डबल ट्रिपल और यू नो अपनी मर्जी से लगाएंगे. हाउ मच इज फॉर दिस? Do you have small one? तो यहाँ पे हैंड फैन भी आपको अंकारा प्रिंट में मिल जाएंगे और बैंगल्स भी आपको अंकारा प्रिंट में मिल जाएंगी, स्लीपर्स भी आपको अंकारा प्रिंट में मिल जाएंगी. तो ये सब मैचिंग यू नो ड्रेस के साथ ये लोग बनाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देख के. और बाकी हमने तो ले लिए हैं 6 बैग और 6 बैग हमें कॉस्ट में पड़े हैं 24,000, जिसमें से 3 डफल बैग हैं और 2 हमारे टॉट बैग है और 1 हैंड बैग है क्लच. तो अभी हमें जेन्युइन लगा ये क्योंकि अच्छे प्राइस पे हम लोगों को मिल गई ये सब चीज़ें. तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना. और कैसी लगी आपको ये सारी शॉपिंग प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर ज़रूर बताना. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइज़ एंड टेक केयर.